सुंदर हमारे तुलसी भैया ने बहुत सुंदर गाया, क्योंकि मैं तुलसी भैया को आज से नहीं जानता और शायद तुलसी भैया ही मुझे पहचान नहीं पाए। नीचे दादा बोल रहे चश्मा धारी, वो भी हमको नहीं जान पाए, क्योंकि ये उम्र का तकाजा है, उम्र का तकाजा है, फूल एकदम ताजा है, फूले से मसल ना देना इसको, क्योंकि हमारा तो खुशबू देने का इरादा है। नेगी करके दरिया में डाल देता है, अरे नेगी करके दरिया में डाल देता है, जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है, अरे ये क्या कराएंगे अपने बच्चों से सेवा जो बूढ़े माँ बाप को घर से अच्छा ये है चश्मा इनका ढोलक माटा फिर चला चला हारी गई सजना तर्ज बहुत अच्छी लाए हैं, लेकिन काश मर्ज भी बहुत अच्छा होता तो ये आधी पहली भाग नहीं है, इसको भागना ना पड़े और समय भी ज्यादा ले लिया सवा घंटा, क्योंकि कीर्तन का मतलब है शास्त्रीय आनंद। मैंने पहले ही कहा दो दो लोग जाने समय से लगे, मैंने पहले ही कहा कीर्तन का मतलब है शास्त्रीय आनंद और कीर्तन के मंडल इसीलिए कुछ बंद हो गए, बस भाई से गाने बजाने गाने तो पहले सुनना चाहिए, मन छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे ढोल राहुल कुमार अर्जुन यहाँ बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं, कीर्तन के जौहरी लोग बैठे और रोजगार से रोजगार संविधाचार करो विचार, संविधान चल रहे अभी अभी कुछ ना कहो क्यों क्यों, अरे कमाल हाँ तो हम रोज रहे हैं, चल रही है कमा था तो हम रोज रहे हैं, जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत। आइए मैं कमाने खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय तो पुरखा हम लोग जब
पितर पक्ष में। और इन्होंने फिल्मों के नाम बताए, मैं तो साजन में लेकिन जवाब में हम भी कुछ ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग लाते हैं, चाहे ढोलक में चाहे चोरस वोरस। तुम सुहासिनी दूर हो सतीश जी की ओर से इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम लिए। आइए कुछ फिल्मों के नाम हम भी ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तो रहे होते हैं, कोई लोग हैं चार लोग हैं। और मैं बहुत छोटा था तब से सुनकर चला आया, और तुलसी भैया मैंने एक बात कही शायद आपने मुझे पहचाना। हमारे पिता जी के साथ आपने बहुत स्वागत करी। बिल्कुल अंकित भाई आप एक नाम बता दो, हमारे ताऊ लखनऊ के यानी बड़े बाप हमारे महेंद्र सिंह आजाद जिनको लोग मेवालाल के नाम से जानते हैं। और हमारे पापा श्री जो सर में हमारे सर से साया उठाकर चले गए चंदा मास्टर चंद्रशेखर सिंह आजाद, मैं उनका सुपुत्र हूँ। और इसीलिए कह रहा हूँ संगीत से खून का रिश्ता है। बिल्कुल संगीत से खून का रिश्ता है। अब खून अपने आप में रंग दिखाता है। सही बात सही है, इसलिए होश में गाना बजाना होना चाहिए। क्या बात है अमित भाई, वाह क्या हमको माइक दे। बड़े भैया जो गा रहे थे उनका क्या नाम है? श्रीलाल। हाँ जिस समय ये नाम आया तो बस पहला नाम हमारे तुलसी भैया मेरे दिमाग में आया। तुलसी भैया होगा उसे गाने बजाने का आना, दूसरा होगा तुलसी भैया
ये मेरा जागरण में तो भगवती ने बहुत कृपा की है और सभी जानते हैं, लेकिन ये जवाबी का मन पहला है क्योंकि प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने। क्योंकि हर रानी अपने पति से कहती है तुम किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। हाँ, और सवाल क्या है, मैंने भी अपना दिल ये जा तेरे नाम कर दिया। क्यों तेरी मोहब्बत ने सर्दी जुकाम कर दिया। क्या बात है, अरे बंद हो जाएगा, रोजी हो जाएगा, फिर हम लोग की दुकान भी बंद हो जाएगी, इसे ना हो दुकान रोनी चल रही है। और उनके बहुत बहुत अच्छे क्योंकि यहाँ सभी राइटर है, पिताजी भी है और जितने हमारे भाई हैं वो भी मालिक, क्योंकि बाप के मान पे बेटों का अधिकार होता है। हम लोग का परिवार बड़ा भूला चल रहा है। सवाल नहीं है, इधर विदाई है। इसी बात पर ले।
और ये डीजे कंपनी के प्रोपराइटर हमारे छोटे भैया श्री देवी चरण जी, उनकी बहुत धन्यवाद है। इनका डोलक बड़ा तक गए हुए किसी बस पहले अब रबड़ी खाओ और ये हमारी ले ले कृष्णा उनकी ओर से 500 रुपए मेरे बेटा का और खाओ और पियो मस्तरा बस बस पियो ना बिल्कुल क्योंकि अगर पियोगे तो दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये बात सही है, पियोगे तो दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा। ना भाषा के भाषण को नारा अनुशासन का वैसे तरह कराते हैं हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो क्या चाहिए और इस देश के लिए पहले हमारी दुकान क्योंकि यहाँ अच्छे सोशल साथ में अच्छे अच्छे आयोजन हमारे श्रीराम राम जो कि बहुत बहुत अच्छा मंच है। मैं कई बार कभी सुनने गया चिड़ियाघर में रक्षा बंधन वाले लोग कराते हैं, यहाँ से गए हमें मालूम होगा कितना बढ़िया इंतजाम होता है। मोदी जी से कहता हूँ, योगी जी से कहता हूँ, अब पूरे पूरे अनुशासन और शासन से कहता हूँ, चाहे जब सुरक्षा मिलेगी तो घर से तो सलामत निकलेंगे। पहले सुरक्षा पुख्ता इंतजाम चाहिए। गुरु जी की कलर अगर बात अच्छी गुरु जी के लिए कितना अच्छा लिखते हैं, कम लिखते हैं लेकिन ज्यादा लिख जाता है। और ये हमारी एक सौ एक रुपए आदरणीय गुरुवर के श्री दोनों भाई गुरु जी के पन्ना में केवल एक पेज चलता है। पहले आपको
पसंद है। अगर ये आवाज इस मंच के माध्यम से योगी तक पहुंच जाती है, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगी। शिक्षा का संस्थान शिक्षा का अनुदान दे, धोती कपड़ा मकान मिले, मकान मिले, जाने को इसे जाना चाहिए। शिक्षा का अनुदान दे, धोती कपड़ा मकान मिले, कन्याओं की रक्षा हो, कन्या में सुरक्षा होगी, इन बेटियों की सुरक्षा होगी, ये स्कूल जाए तो इनको कोई सताने वाला ना मिले, हमारी माता पहले घर से निकले तो उनको कोई सताने वाला ना मिले। Oh,
ये था हमारे भैया की गीत का जवाब। जहाँ तक हम पहुँच सकते थे यथा शक्ति जवाब देने की पूरी कोशिश की है भैया। अंकल ये आइए, ये जवाब आपको YouTube में भी सुनने को मिलेगा, उसमें हम लोग भी मिलेंगे, लेकिन सामने वाले ढोलक मास्टर नहीं दिखेगी क्योंकि मैं आइए ये यही आया स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही अलाप होनी चाहिए, माहौल बना देते हैं आप अलाप लगा लगा। ये मेज लगे तो हमको कोई देख ही नहीं पा रहा। कोई शशादे कोई सितम कर फिर न ले ऐसे दिल की सदाए तुझे जो बुलाए तेरे लिए मेहनत का पैसा लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ढोलक बोली टाए टाए, एक क्वेश्चन है और सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। बस कहीं सीढ़ी जा रही लगी लगी शशि लगी लगन को बखुल ना हो रे आशा की वाह।
सारे जाते समझाने के लिए नहीं है। होता सच्ची लगी लंदन को बहुत राम हो गए, चिंता मत वो सुख धाम हो गए, मामा सुमन का बोझ देखा तो दिखाओ कैसे देना लक्ष्मण के लक्ष्मण जी बड़ी सुना शशि लगी और मोर्चा आई और हनुमान जी थोड़ा बहुत अचानक हनुमान जी की याद आई तो हनुमान जी को उन्होंने याद कृष्ण लाल ने जब याद किया ये बोले हनुमान संसद में सचन भक्त को हनुमान पर्वत पर आए गाने कैसे गाना चाहिए भैया।
बात है, जबरी लोग हैं भाई चैनल वाले। अरे भैया ये इस कलाकार कहाँ उठा दे कोई पता नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे केएस चैनल के हमारे सीनियर भैया ये 11 मेगा का शुरुआत है, ये 11 मेगा 1100 बिल्कुल सीना पर पत्थर अलग कर गया माँ हनुमान की आंख भर गई शशि दे माँ हनुमान की तो हनुमान जी कहने लगे कहने लगे हनुमान जी नजर फिर से नजर फिर से एक बार आजा तू भी ऐसी इसी बात में दरार आ जाए पत्थरों को। ये दरार है, ये पत्थरों की दरार है। और जैसे लवली अशोक तरा बहुआ हुआ भाई ये 20 रुपए का शुरुआत हुआ पत्थरों में दरार इशारा किया गया प्रभु अरे हाथ उठाएंगे अरे अरे मैं इस धनुष को स्वयं की तरह उछाल कर फेंक सकता हूं। ये हमारे सवाल को तो लखनलाल कह रहे हैं ताके धनु जो लखनलाल ये लखन लाल सोच रहे हैं ताके धन जो लखन लाल जैसे फिर ये धनुष और जो लखन लाल जैसे नहीं माटी छोड़ा लेकिन जो भारी धनुहार
जंग हुआ क्या 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 हुआ तब समझते रहिए हमारे गाने के भाव को तब लाली शेरा जय शेरा शेरा 250 रुपए बड़ी वाली जैसी भी जा रही थी और ये दीपू उनकी आशीर्वाद की कामना है और आगे वाले अम्मा भी बैठी है धन की ऐसी गंगा आजा तू भी की ऐसी धार आजा क्योंकि अगर हमें बुलाया है क्योंकि ये मेरा पहला कार्यक्रम है तो मैं चाहूंगा मैं इतना अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रस्तुति करूं बिल्कुल कीर्तन को एक लोग धनुष टूट गया स्वयं रच गया सीता को विवाह ले आए ले भी आए और चौथा वर्ष का सतवास भी चला गया अब भगवान फिर जब वापस आए अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही थी लेकिन एक धोबी ने ताना दे दिया मैं वो रहा नहीं मैं वो रहा नहीं जो 14 वर्षों बाद भी सीता को बुला लो अरे तू एक दिन कहां रही मुझे पता नहीं तू ऐसा कर जा श्री राम प्रभु के कानों में यह आवाज पहुंची तो उन्होंने किया क्या क्या किया क्या बात है मेरे यूपी 78 ये मैं गाना किसी और का नहीं गाना
नहीं घराने का गा रहा हूँ, अपने गुरु का गा रहा हूँ, गुरु अपने गुरु का गा रहा हूँ और घराने का गा रहा हूँ। गुरु जी मंच में विराजमान है, गुरु जी की कलम कलम, और जिन लोगों ने सुना है उन्होंने उनके साथ साथ जाने की कितनी बार देखा भी होगा सुना होगा। हम लोग ऐसे तो फिर उन्हें ताना मिला तो सीता माँ ने अब क्या किया, तेरी चिची हुई ना धरा अब माँ ने सोचा अब मुझे इस संसार में बिल्कुल नहीं रहना, आखिर मैं कब तक परीक्षा दे रही रहूंगी, तेरी चिची हुई ना धरा Yeah.
साहूकार क्या बात है मेरे क्या देखे क्या बात है यह राजू जी बता दी मुझे सिखाए आने दो क्यों आने दो और क्या पहली बार देखा जा रहे तो आने दो हम शर्माएंगे तो फिर रहेंगे कैसे आओ का कोई डर नहीं हम तो नीचे बैठे हैं मुझे सर सिखाए मेरा दिल धड़क रहा है तो आपा हमें चूक न जाए ऐसे सोचे से अरे आपा हमें चूक न जाए ऐसे सोचे से सावन के महीने में बड़े बड़े काम हो सुनिए नोट कर लो के काम है कैलकुलेटर का हिसाब है आगे नहीं बढ़ गई सारा हिंदुस्तान हुआ सब राष्ट्रवादी कष्ट हुए जो भारत आए हैं विरोधी मंडल भी हाथ उठा सकता है सब राष्ट्रवादी अलगाववादी सब राष्ट्रवादी अलगाववादी क्यों ये तोड़ रहे विराट विश्व के कोने कोने ये तोड़ रहे विराट विश्व के कोने कोने
मोदी भारत का नगीना है, मोदी भारत का नगीना है।